हेलो गाइज, आज मैं आप लोग के लिए एक नया फोटो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। स्नैपसीड एप्लीकेशन यूज़ करके मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ फोटो में कैसे येलो टोन डालेंगे। और देख सकते हो गाइज कितना अच्छे से एडिटिंग हुआ है, और ये बिफोर का फोटो है, और एडिटिंग के बाद कितना अच्छे से एडिटिंग येलो टोन हुआ है फोटो में, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी चलिए शुरू करते हैं एडिटिंग। पहले क्या करेंगे ना, स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इधर पेंसिल वाला आइकन पे जाएंगे। जाने के बाद अभी पहले स्टेप क्या करेंगे ना, इधर जो दिया है टोनल कंट्रास्ट, इसका ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद क्या करेंगे ना, इधर हाई टोन जो है, हाई टोन को थोड़ा सा प्लस में रखेंगे, और अभी क्या करेंगे ना, मिड टोन को इसको भी 70 तक रखेंगे, लो टोन को 90 तक, और इसको प्रोटेक्ट शेडो को इतना रखने के बाद इधर प्रोटेक्ट हाईलाइट जो है इसको थोड़ा सा रखेंगे। रखने के बाद इधर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन स्टेप क्या करेंगे, अभी फिर से जाएंगे वही पेंसिल वाला आइकन पे। ओके, पेंसिल वाला आइकन पे जाने के बाद डिटेल्स का ऊपर जाएंगे। डिटेल्स का जाने के बाद इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और शार्प को थोड़ा सा हल्का सा ही बढ़ाना। ओके, बढ़ाने के बाद इधर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन अभी क्या करेंगे ना, अब से जाएंगे पेंसिल वाला आइकन पे। अभी जाने के बाद अभी क्या करेंगे ना, इधर जो दिया है ट्यून इमेज, ठीक है, ये ट्यून इमेज का ऊपर अभी क्लिक करेंगे। ट्यून इमेज का ऊपर जाने के बाद अभी क्या करेंगे ना, ब्राइट को थोड़ा सा कम करेंगे। ओके, और कंट्रास्ट को 19 तक रखेंगे, नहीं हाँ इतना 40 तक रखेंगे, और सेचुरेशन को पूरा माइनस करेंगे, ठीक है, पूरा जितना माइनस 100 करेंगे, ठीक है। करने के बाद अभी एम्बियंस को थोड़ा सा प्लस करेंगे, और हाईलाइट को भी 30 तक रखेंगे, और शेडो को थोड़ा सा कम करेंगे, 50 तक रखेंगे, और वार्थ को भी कम रखेंगे। रखने के बाद इधर क्या करेंगे ना, टिक वाला ऑप्शन पे अभी क्लिक कर देंगे। ओके, देख सकते हो अभी पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया फोटो। होने के बाद इधर ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद इधर जो व्यू एडिट दिया है, व्यू एडिट का अभी ऊपर अभी क्लिक करेंगे। देन अभी क्या करेंगे ना, इधर जो ट्यून इमेज दिया है इसका ऊपर क्लिक करेंगे। फिर अभी इधर जो पेंसिल वाला छोटा सा दिख रहा है इसका ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी पूरा इरे हटाना है, जो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ है हटाना है, उसके लिए इसका ऊपर अभी क्लिक करना है। अभी पूरा फोटो में हो जाएगा। होने के बाद इसको कुछ इस तरह का जूम करना है, जूम करके इधर जो एरो दिया है दोनों डाउन वाला को इसको जीरो करना है पूरा। अभी जीरो हो गया। होने के बाद कुछ इस तरह का पूरा इरेज करना है मॉडल का ऊपर, जितना भी हुआ है मॉडल का ऊपर से, ठीक है, इसको कुछ इस तरह का इरेज करना है, ठीक है, अच्छे से पूरा इरेज करना है, जैसे साइड जो बॉर्डर को छोड़ के इरेज करना है। अभी पूरा देख सकते हो गया इरेज। होने के बाद अभी क्या करेंगे ना, इधर टिक वाला ऑप्शन पे अभी क्लिक करेंगे। ओके, इधर हो गया। फिर अभी क्या करेंगे ना, इधर बैक वाला ऑप्शन पे जाएंगे, इधर जो दिया है इसका ऊपर। देन अभी क्या करेंगे ना, फिर से जाएंगे वही पेंसिल वाला आइकन पे। ओके, पेंसिल वाला आइकन पे जाने के बाद अभी इधर जो दिया है कर्व, कर्व का ऊपर अभी क्लिक करेंगे। कर्व का ऊपर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे ना, इधर कलर वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी मेरे को ब्लू कलर चाहिए, अभी इधर ये ब्लू वाला सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद ये जो ग्राफ है, ग्राफ कुछ इस तरह का इसको पूरा नीचे लेंगे। नीचे लेने के बाद इधर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन अभी क्या करेंगे ना, इधर अभी इसका ऊपर जाएंगे, फिर इधर जो व्यू एडिट दिया है इसका ऊपर जाएंगे। जाने के बाद क्या करेंगे ना, इधर जो कर्व दिया है कर्व का ऊपर क्लिक करेंगे, फिर छोटा सा पेंसिल जो दिया है इसका ऊपर। फिर अभी क्या करेंगे ना, इसका ऊपर अभी जाएंगे, येलो टोन इधर पूरा आ जाएगा, ठीक है। आगे आने के बाद इधर जो, जैसे मैं आप लोग को बताया था पिछले बार, अभी भी इसको कुछ इस तरह का जीरो करना है। जीरो करके जितना भी अभी मॉडल का ऊपर हुआ है इसको इरेज करेंगे, ठीक है, और पूरा अच्छे से इसको देख सकते हो, ठीक है। इतना कुछ इस तरह का करना है। मैं करने के बाद फिर मैं आप लोग को बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ओके, इधर देख सकते हो पूरा अभी इरेज हो गया। होने के बाद इधर टिक वाला, सॉरी इधर बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अभी क्या करेंगे ना, फिर से जाएंगे वही पेंसिल वाला आइकन पे। फिर अभी क्या करेंगे ना, फिर से जाएंगे वही कर्व, कर्व टूल का ऊपर जाने के बाद अभी क्या सिलेक्ट करेंगे ना, रेड कलर। रेड कलर सिलेक्ट करने के बाद जो ग्राफ है थोड़ा सा नीचे लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, कुछ इस तरह का लेंगे। लेने के बाद अभी क्या करेंगे ना, इधर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ओके, मैं थोड़ा रफली भी कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से कीजिए। इधर फिर से जाएंगे वही पेंसिल वाला आइकन पे।
जाने के बाद अभी क्या करेंगे ना, इधर जो दिया है डबल एक्सपोजर, इसका ऊपर अभी क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा लाइट यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ लिंक, उधर से जाके डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। ओके, ये वाला लाइट इसको लेके कुछ इस टाइप का लगाना है, इधर थोड़ा सा छोटा करना है और इधर पेस्ट कर देने का। करने के बाद अभी क्या करेंगे ना, इधर टिक वाला ऑप्शन जो दिया है इसका ऊपर अभी क्लिक करेंगे। ओके, इधर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ना, फिर जाएंगे वही पेंसिल वाला आइकन पे। जाने के बाद अभी क्या करेंगे ना, अभी जाएंगे इधर जो लिखा है बिगनेट, देख सकते हो चारों तरफ ब्लैक हो गया, और इसको और थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है -71 तक रखेंगे। फिर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन अभी फिर जाएंगे वही पेंसिल वाला आइकन पे। जाने के बाद अभी क्या करेंगे ना, अभी जाएंगे इधर सिलेक्टिव मॉडल, थोड़ा सा वाइट करना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा वाइट करना है, ठीक है। थोड़ा सा वाइट हो गया इधर, और इधर हाथ में भी थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है, इसको भी थोड़ा सा वाइट कर देंगे। इतना रखने के बाद देन क्या करेंगे ना, इधर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ओके, इधर का हो गया। फिर अभी क्या, फिर से जाएंगे वही पेंसिल वाला आइकन पे। अभी फिर क्या करेंगे ना, इधर जो दिया है HDR, इसका ऊपर अभी क्लिक करेंगे। ओके, करने के बाद अभी क्या करेंगे ना, इसको हल्का सा ही बढ़ाएंगे, इतना +6 तक रखेंगे फिल्टर। ओके, इधर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, देन अभी फिर से जाएंगे वही पेंसिल वाला आइकन पे। जाने के बाद अभी क्या करेंगे ना, अभी इधर जो ब्लोर दिया है लेंस ब्लोर, इसका ऊपर अभी क्लिक करेंगे। ओके, करने के बाद इसको इस तरह का छोटा करके नीचे छोड़ देने का, पूरा बैकग्राउंड पूरा हो जाएगा ब्लोर। फिर अभी टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ओके, करने के बाद क्या करेंगे ना, इधर जो ऊपर वाला इरेज वाला ऑप्शन दिया है इसका ऊपर अभी क्लिक करेंगे। ओके, इधर व्यू एडिट पे जाएंगे, देन अभी क्या करेंगे ना, इधर लेंस ब्लोर का ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएगा। फिर अभी छोटा वाला जो पेंसिल दिया है इसका ऊपर क्लिक करेंगे। फिर क्या करेंगे ना, इधर जो लास्ट में दिया है इसका ऊपर अभी क्लिक करेंगे, पूरा अभी ब्लोर हो जाएगा। होने के बाद क्या करेंगे ना, इसको जीरो करना है, जीरो करके कुछ इस टाइप का पूरा मॉडल का ऊपर जितना भी हुआ है चारों तरफ इसको पूरा हटाएंगे और बैकग्राउंड ब्लोर छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। अभी पूरा हो गया, फिर अभी इधर टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फिर इधर बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो गाइज, अभी पूरा एडिटिंग कंप्लीट हो गया, और आप लोग को कैसा लगा एडिटिंग मेरे को कमेंट में बताइए। देख सकते हो ये रहा बिफोर का फोटो और ये रहा आफ्टर का फोटो, और एडिटिंग के बाद कितना कमाल का एडिटिंग हुआ है। और ये वाला एडिटिंग आप लोग को कोई भी नहीं बताएगा, मैं आप लोग को आसान तरीक़े में बताया। और आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं आप लोग के लिए नया नया फोटो एडिटिंग लेके आते रहूँगा। अभी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।